हेलो फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो में मैं एक नए टॉपिक पर डिस्कस करता हूं। पिछले वीडियो में हमने फैमिली पर डिस्कस किया था, इस वीडियो का मेरा एक अलग टॉपिक है। वैसे तो इन पिक्चर्स को देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाज भी आ गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। अगर नहीं तो आइए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो का टॉपिक आपसे ही रिलेटेड है। फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि दोस्त। दोस्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड इज सुनीता। मेरी सबसे अच्छी सहेली सुनीता है। डू यू एंड हर शेयर एनीथिंग इन कॉमन? क्या आप और उसमें कुछ समानता है या आप और उसमें एक जैसी कुछ रुचि है? यस, ए लॉट, बहुत। वी बोथ लव शॉपिंग एंड स्पोर्ट्स। हम दोनों को शॉपिंग और स्पोर्ट्स में रुचि है। हाउ एंड वेयर डिड यू मीट? कहां और कैसे आपकी मुलाकात हुई? शी इज माई क्लासमेट। वह मेरी सहपाठी है, या हम कह सकते हैं वी आर इन द सेम क्लास। हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वट डू यू एंड शी डू टूगेदर? आप और वो साथ में क्या क्या करते हो? वी यूजली डू होमवर्क एंड प्ले टूगेदर। हम साथ में होमवर्क करते हैं और साथ में खेलते हैं। Have you ever quarreled? क्या आप आपस में कभी लड़े हो? Yes, हाँ। But afterwards we seem to understand more about each other. लेकिन उसके बाद हम एक दूसरे को बेहतर समझने लग गए। Why is a friend important in life? मित्र जीवन में जरूरी क्यों है? A good friend can make your life better. एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी बेहतर बना सकता है, इन मेनी वेज, बहुत तरीके से। आई डोंट थिंक एनी वन कैन स्टैंड लोनलीनेस। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अकेलापन झेल सकता है, इसके लिए मित्र होना जरूरी। द idiom फॉर टुडे इज, आज का मुहावरा है, Once in a blue moon. दोस्तों, कभी देखा है आपने ब्लू कलर की मून? नहीं। कभी कभी डस्ट की वजह से हल्का ब्लू दिखाई देगा, वरना मून हमेशा सिल्वर कलर का होता है। तो फिर वंस इन ए ब्लू मून क्या है? एक ही कैलेंडर मंथ, जैसे कि जनवरी में दो बार पूर्णिमा आती है, उसे वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं। वेरी सेल्डम, रेयरली, कभी कभी। The son now lives in a city and comes to see his parents once in a blue moon. बेटा अब शहर में रहता है और माँ बाप को मिलने कभी कभी आता है। अब आते हैं अपोजिट वर्ड्स। पहला है अबेंडेंस और उसका अपोजिट है स्कैरसिटी। अबेंडेंस मतलब चाहिए उससे ज्यादा और स्कैरसिटी मतलब चाहिए उससे कम। फिर मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, उसे क्या कहते हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड। तो हम उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अब मेरे इस वीडियो का सवाल है, व्हाट डू यू कॉल, उन्हें क्या कहते हैं, पीपल हु वर्क टुगेदर, जो एक साथ
काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और चेंजेस करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स जरूर लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।